राधे राधे। सो राधे राधे माय फ्रेंड्स। सो मेरे भैया, आपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार की रील तो देखी होगी। सुमेर भाई, ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चलती है। अगर आपको भी ऐसी रील्स एडिटिंग सीखनी है, मूवीज लिरिक्स एडिटिंग, सुमेर भाई ऐसी मूवी एडिटिंग बहुत ही आसान है एडिट करना। सुमेर भाई, अगर आपने अपने भाई की वीडियो को एंड तक वॉच करा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करोगे, तो आज आपका भाई आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है ऐसी एडिटिंग कैसे करें। सुमेर भाई, एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो इसमें लिरिक्स है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, कोई भी सॉन्ग का लिरिक कैसे डाउनलोड करते हैं जो लिरिक्स इसमें लगा कर रखते हैं। सो मेरे भाई वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो चलते हैं मेरे भाई बिना किसी देरी के एडिटिंग की ओर। तो सबसे पहले मेरे भाई कैपकट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो मेरे भाई आप देख सकते हैं, हमने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और हमने अपने क्लिप इसमें ऐड कर दिए हैं कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, जो भी हमने इसमें क्लिप ऐड किए हैं, अब इसको एडिट करने के लिए सबसे मेन क्या है मेरे भाई, जो भी आप ऑडियो इसमें ऐड करोगे, जैसे कि मैंने ऑडियो ऐड करके रखा है यहाँ पर, जो भी आप इसमें ऑडियो ऐड करोगे उस ऑडियो पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर मेरे भाई क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड स्क्रॉल करना है और मेरे भाई आपको बीट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको ऑटो जनरेट पर क्लिक कर देना है और आपकी बीट्स जनरेट हो जाएगी। ये येलो येलो डॉट दिख रहा होगा मेरे भाई आपको, ये हमारी बीट्स है। सो मेरे भाई जब भी आप वीडियो एडिट करोगे, ऐसी वीडियो एडिट करोगे, तो आप ध्यान रखना बीट्स आपको अनेबल करनी ही करनी है। अगर आप बीट्स के अकॉर्डिंग आपको सारे क्लिप इस बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देने हैं, आप देख सकते हैं मैंने बीट के अकॉर्डिंग अपने क्लिप को एडजस्ट करके रखे हैं। जैसे हमारी एक बीट यहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, तो एक बीट हमारी येलो बीट यहाँ पर है, तो एक क्लिप हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब दूसरा क्लिप हम यहाँ तक रखेंगे जहाँ से हमारी दूसरी बीट है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपको बीट के अकॉर्डिंग अपने क्लिप एडजस्ट कर देना है। इतना होने के बाद मेरे भाई आप खुद ही देख लेना, बहुत ही ऑडियो में अपना ऑफ कर देता हूँ, आप खुद ही देखो मेरे भाई कि बीट के अकॉर्डिंग अपने क्लिप एडजस्ट हो चुके हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मेरे भाई आपको क्या कर देना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही स्मूथ एनिमेशन मेरे भैया आपको इसमें यूज़ करना है, ज़्यादा आपको ओवर एडिटिंग नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन इसमें लगाने हैं। जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं, एनिमेशन पर मेरे भैया आपको क्लिक कर देना है, आप देख सकते हैं इसको हम बहुत ही प्रोफेशनल बनाने वाले हैं, तो एनिमेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भैया हम जूम वन का इसमें लगा देते हैं और सेकंड में भी जूम वन का लगा देते हैं। जितने भी क्लिप है मेरे भाई उसमें आपको जूम वन का एनिमेशन कुछ इस प्रकार से लगा देना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी सारे क्लिप में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। सो मेरे भाई अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा एनिमेशन बन चुका है, कितने प्यारे तरीके से हमारे क्लिप स्मूथ तरीके से हमारे क्लिप शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। सो मेरे भाई ऐसे आप बहुत ही आसान तरीके से प्रोफेशनल बना सकते हो इस एनिमेशन को यूज़ करके। अब मेरे भाई सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेरे भाई इफेक्ट्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो इफेक्ट्स पर आपको क्लिक कर देना है। गाइस, मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करना। तो वाइब्रेशन फ्लैश का मेरे भाई आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं वाइब्रेशन फ्लैश का इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसको आपको सिंपली इस पर ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद मेरे भाई आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पर सिंपली मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। एडजस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद इसके इंटेंसिटी को आपको कम कर देना है और ग्लो को भी आपको कम कर देना है, कुछ 20 के अकॉर्डिंग कर देना है, जैसे कि मैंने करके रखा है कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई इसको आपको डन कर देना है और जहाँ तक आपका क्लिप होगा, वीडियो होगी, वहाँ तक इसको रख लेना है। अब मेरे भाई आप देख सकते हैं हल्की हल्की, आप ध्यान से देखना, हल्की हल्की हमारे वीडियो में प्रोफेशनल फ्लैश ऐड हो चुके हैं, इससे आपकी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लगेगी। और एंड में मेरे भाई आपको क्या करना है, अब इसको HD क्वालिटी में कलरेड करने के लिए आपने देखा होगा जो भी ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी में करते हैं और काफ़ी HD क्वालिटी में होती है। सो मेरे भाई इसको HD क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करें और इसमें HD कलर ग्रेड कैसे करें वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इसके लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली 180p एंड 30fps में इसको सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मेरे भाई आपको हमारी वीडियो सिंपली सेव सक्सेसफुली हो चुकी है, न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है और जो वीडियो मेरे भाई हमने अभी सेव की थी यहाँ से, तो उसको सिंपली हम ऐड कर देते हैं और एंडिंग पार्ट मेरे भाई आपको डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है जो हमारी वीडियो क्लिप है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको फिल्टर्स पर आना है,
फिल्टर्स पर आने के बाद आपको मेरे भाई यहाँ पर मूवीज़ के फ़िल्टर मेरे भाई आपको यूज़ करने हैं। आपको दिख रहे होंगे मूवीज़ के फ़िल्टर, मूवीज़ पर क्लिक कर देना है। मूवीज़ पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको ओपन हाइमर का एक फ़िल्टर दिख रहा होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसमें जो आप हॉलीवुड मूवीज़ के अगर एडिट कर रहे हो हॉलीवुड मूवीज़, उसमें आप ज़्यादातर यही फ़िल्टर यूज़ करना ओपन हाइमर का। और इसकी लेंथ को मेरे भाई आपको 40 के अकॉर्डिंग रखना है, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में काफ़ी इसको ऐड करते ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ चुकी है, हॉलीवुड टाइप बिल्कुल प्रोफेशनल लग चुकी है। और इस प्रकार से मेरे भैया आपको कर देना है। अब आपको क्या करना है, एडजस्ट पर मेरे भैया आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एडजस्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसके कंट्रास्ट को मेरे भाई थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर देना है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि मैंने करके रखा है। इतना करने के बाद मेरे भैया आपको सैचुरेशन को मेरे भैया आपको थोड़ा सा इसको 5 कर देना है कंट्रास्ट को, और सैचुरेशन को आपको 4 कर देना है। ब्रिलियंस को मेरे भैया आपको 10 कर देना है, और शार्पन को मेरे भैया आपको क्या करना है 40 के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देना है, 40 या 50 कर देते हैं हम कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारे वीडियो में काफ़ी अच्छी HD क्वालिटी आ जाए। तो क्लियरिटी को भी हम 5 के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देंगे, और हाईलाइट को भी मेरे भैया आपको इंक्रीज़ कर देना है 5 के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर को भी आपको 4 के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देना है 4 या 5 के अकॉर्डिंग। बिगनेट को मेरे भैया आपको 5 के अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देना है। ह्यू को आपको -2 कर देना है, कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भैया आपको क्या करना है, वीडियो क्वालिटी का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भैया आपको सिंपली इमेज क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और इसको मेरे भैया आपको HD पर रखना है, ज़्यादा हाई मत रखना है। HD पर रखने के बाद इसको मेरे भैया यहाँ से आपको डन कर देना है। अभी मेरे भैया आप देख सकते हैं हमारे ये लोडिंग हो रहा है, इमेज क्वालिटी हमारी लोडिंग हो रही है। अब मेरे भैया इसको वेट कर लेते हैं। इसको लोडिंग होने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि लिरिक्स कैसे ऐड करें। लिरिक्स ऐड करने के लिए मेरे भैया आपको ओवरले पर क्लिक कर देना है, ऐड ओवरले पर क्लिक कर देना है, और जो भी हमने इसमें लिरिक्स ऐड किए डाउनलोड किए थे उसको हम सिंपली ले लेते हैं। अभी मेरे भाई आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक पार्ट आ चुका है, इसको हटाने के लिए मेरे भाई मैं आपको आइडिया बताता हूँ। स्प्लाइस का मेरे भाई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है और इसको फ़िल्टर कर देना है। फ़िल्टर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे भाई हमारे लिरिक्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से छोटा कर देंगे और नीचे की ओर रख देंगे। तो मेरे भाई अभी आप देख सकते हैं हमारे लिरिक्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, कितने स्मूथ तरीके से हमारे लिरिक्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। सो मेरे भाई अभी हमारा ये HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो रहा है। सो मेरे भाई अभी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने HD क्वालिटी में हमारी वीडियो यहाँ से कन्वर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। अब मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा कि लिरिक्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई आपको यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जिस भी सॉन्ग का आपको लिरिक्स सर्च करना है, जैसे आपको समझावा सॉन्ग का मैं लिरिक्स यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ, तो समझावा सॉन्ग को आपको पहले सर्च टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन स्टेटस यहाँ पर पीछे टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे भाई ब्लैक स्क्रीन स्टेटस आपको टाइप कर देना है, और कुछ इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे लिरिक्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी सॉन्ग का गाइस आपको लिरिक्स सर्च करना है, उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको जहाँ मैंने समझावा लिखा है टाइप किया है, यहाँ पर आपको वो सॉन्ग का नेम लिख देना है, और एंड में आपको ब्लैक स्क्रीन स्टेटस टाइप कर देना है, तो आपके बहुत सारे लिरिक्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई जो हमने इसमें क्लिप ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मूवीज़ के क्लिप हमने ऐड किए हैं। इसका लिंक मेरे भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे भाई अगर आपके भाई की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।